इख्तलाफ फोरम मलिर के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट इरशाद सर ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तमीर और तरक्की के लिए दिन रात एक करके काम कर रही है। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने कराची समेत सिंध भर के बारिश मुतासरों की कोई मदद नहीं की, कराची पैकेज का लॉलीपॉप दिया। वफाकी हुकूमत का कराची पैकेज अधूरा है और इस वफाकी पैकेज में सिंध हुकूमत के 800 अरब है। इरशाद सर का मजीद कहना है की कराची ठट्ठा बदीन थरपारकर मीरपुर खास हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान दादू काशो व दीगर इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही काम किया है और इस काम की निगरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह व दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजरा और मुंतखब नुमाइंदे करने में मसरूफ है। एडवोकेट इरशाद अली शर ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध के अवाम को मुसलसल नजरअंदाज करती आ रही है, वफाकी हुकूमत की ऐसी पॉलिसी की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वादा करती है कि सिंध समेत पाकिस्तान की अवाम की फलाह और बहबूद के लिए दिन रात काम करेगी।